देख रहे हैं रिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। नगर पालिका परिषद में आयोजित किया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से शहर को किस तरह से स्वच्छ रखना है इस बारे में बताया गया कि साथ ही कचरा बीनने वालों को स्वच्छता से संबंधित एक किट भी बांटी गई, जिसमें एक टोपी, जैकेट और हट के दस्ताने थे। वहीं लोगों को हिदायत भी दी गई कि जब भी कचरा बीनने जाएं तो हाथों में दस्ताने जरूर पहनकर जाएं। साथ ही कचरे को कहाँ और कैसे उठाना है और कहाँ पर फेंकना है इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें प्रति दिवस हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रथम दिवस हमने रैली की थी और आज हम रैक पिकर्स के साथ कार्यशाला कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं। साथ में इन्हें स्वच्छता से संबंधित किट का वितरण किया गया है, जिसमें इन्हें टोपी, जैकेट तथा ग्लव्स दिए गए हैं। और किस तरह से ये पन्नी को बिनते हैं, उसको सही जगह इस्तेमाल करें, कबाड़े को जो इस्तेमाल करते हैं, गीले और सूखे कचरे का सही इस्तेमाल ये समझ सकें, समाज में सही मैसेज दे सकें, इसके विषय में आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और हम यही लोगों को इनको बता के ट्रेंड कर रहे हैं और भविष्य में इन्हें हम रोजगार से जोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। संवहनीय आजीविका के लिए इनको बैंक से लोन दिलाने का पूरा प्रयास किया जाए। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि बमोरी क्षेत्र में रहने वाली राममूर्ति बाई अपनी झोपड़ी को सही करने के लिए उसको रस्सी से बांधने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय उसके ऊपर बिजली गिरी उस समय घर के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए गुना जिला चिकित्सालय लाया गया। ये ऊपर आसमानी बिजली गिरी। कब? सुबह 7 बजे करीब। अच्छा, तेज बादल गरज रहे थे क्या? नहीं, कम कम मामूली चीज आ रहा है, कोई कम कम। तो ये कहाँ थी? बिल्कुल ऊपर रस्सी दे रही थी, वो पास में खड़ी है। क्या दे रही थी? रस्सी। हाँ, टपरा बनाने के लिए टपरा बांध रही थी। तो भाई डायरेक्ट गिर गई। डायरेक्ट गिर। क्या नाम है इनका? राममूर्ति भाई। आप लोग सब घर पे ही थे? घर पे ही, बिल्कुल पास में। 2 बच्चे थे और 3-4 लोग पास में। तो खत्म हो गई? वो तो हालचाल ही हुई थी। बगारा के रास्ते में टोल टैक्स के पास एक काला हिरण मृत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग में कार्य करने वाले नरेश कुशवाहा को उनके अधिकारियों ने दी, जिसके बाद हिरण के शव को गुना पशु चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया। वहीं नरेश के मुताबिक हिरण भागते हुए रोड पर आ गया होगा, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूत्र बताते हैं कि एक और वन कर्मियों की हड़ताल के चलने से शिकारियों को काफी मौके मिल गए हैं, के साथ ही कई बार शिकारी जानवर पकड़ने के लिए उनके पीछे अपने कुत्ते लगा देते हैं। हिरण की मौत भी इसी के चलते हुई होगी, क्योंकि हिरण के शरीर पर कई जगह घाव के निशान भी देखे जा रहे हैं। वहीं हमारी बात को वन विभाग सिरे से नकारता हुआ दिखा। हमको तो साहब ने कही पगारा जाओ, एक रन मरा है। साहब कौन? एडू साहब ने। अच्छा, उनके आदेश पे आप पगारा गए थे? उठा के मांस ले आए। अच्छा, क्या क्या है ये, क्या नाम है इसका? हिरन, काला हिरन बोलते हैं। तो कितने बजे की सूचना मिली, प्राप्त हुई थी आपको? सुबह की, हमें तो
9 बजे सूचना बताई थी सामने। अच्छा, कितने लोगों की टीम गई थी आपकी वहाँ पर? कितने लोगों की टीम गई थी आपकी? हम 4 लोग गए थे। तो मरा किस कारण से कुछ जानकारी है? वो बता रहे थे साहब 100 नंबर खड़ी थी भाई। तो मैंने कही साहब से हमारी बात हो गई है, इसको रख के तुम वहाँ ले जाओ, अब तुम्हारे साथ PM करवाएं। नहीं तो आपको क्या लगता है ये इसकी मृत्यु कैसे हुई है? वो एक्सीडेंट की बता रहे थे साहब। एक्सीडेंट कुत्ता रेत के ला रहे थे, मतलब वो भागे हैं वो, मतलब रोड के किनारे मिला के? अरे बिल्कुल रोड पे ही पड़ा था साइड में। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका अंदेशा एक्सीडेंट का है? एक्सीडेंट बता रहे थे। आज दिन भर यातायात पुलिस द्वारा वाहनों का चालान बनाया गया और कई वाहनों के साथ ही ले जाया गया। यातायात थाना प्रभारी के अनुसार बैंक और कोचिंग संस्थानों के सामने खड़े वाहन जो यातायात को प्रभावित कर रहे थे, उनकी आज चालानी कार्रवाई की गई। वहीं देखने में आया कि केवल कुछ ही वाहनों पर कार्रवाई की गई है, उसके विपरीत उन कोचिंग संस्थानों या फिर बैंकों को किसी भी तरह से कोई नोटिस आज भी नहीं दी गया। यातायात बाधित होने की बात तो उन कोचिंग संस्थानों एवं बैंकों को भी समझनी चाहिए जिनके ग्राहक अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं। सर जी, कार्रवाई कब तक लगातार जारी चलती रहेगी? ये दो दिन का ही ड्रोन दिया जाएगा। जब तक फोर्स हमको मिलता रहेगा, फोर्स हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में है, तो जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक डेली प्रतिदिन ये कार्रवाई चलती रहेगी। विधायक के कूलर सलाखों के पीछे आज गुना के विधायक पन्नालाल शाके का जन्मदिन है। आज विधायक ने अपने जन्मदिन के मौके पर महिला बैरक में जाकर 2 कूलर भेंट किए, वहीं महिला कैदियों ने उनको पुष्पमाला भेंट की। आपको बता दें कि विधायक पन्नालाल शाके ने महिला कैदियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें 2 कूलर भेंट किए हैं। पिछले साल विधायक जी आए थे, तब मेरे द्वारा निवेदन किया गया था कि बंदियों को पंखे या कूलर दान किए जाएँ, तो विधायक जी ने मांग को मानते हुए आज महिला बैरिक में 2 कूलर दान किए हैं, क्योंकि उन महिलाओं के लिए। साहब ने कहा था कि भाई यहाँ गर्मी लगती है कैदियों को, तो कुछ आपकी तरफ से सहयोग हो जाए तो महिला जो परिसर है उसके लिए अपन ने 2 कूलर गर्मी बहुत है, उनके साथ बच्चे भी हैं। तो आज आपका जन्मदिन भी है, उसको लेके आप और भी क्या कार्यक्रम है आपके? अभी तो ये कई कार्यक्रम है कि यहाँ तक आए और वो कूलर भेंट किया, जेलर साहब ने बकायदा अनुमति दे दी थी कि यहाँ कर जाओ, कोई बात नहीं। पिछले साल की मांग थी, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी करवा देते हैं। फल वितरण के लिए भी है विचार, जाएंगे देर बाद। सकतपुर पंचायत के निवासी इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। करीब 150 घरों की आबादी वाले इस गांव में केवल एक ही हैंडपंप है, वह भी मंदिर में लगा है, जो इस पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है।
वहीं ग्रामीणों की माने तो मंदिर में लगे इस हैंडपंप के अलावा पानी का और कोई भी स्रोत इसके पास नहीं। हालांकि नल जल योजना के तहत इस गांव में 3 बोर कराए गए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी मोटर नहीं डाली गई। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब सरपंच से मोटर की बात करते हैं तो वह यह कहकर बात टाल देता है कि बिल जमा कौन करेगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के घर के पास में भी एक नया बोर हुआ है जिसमें मोटर लग गई है, जिसका पानी सरपंच के घर जाता है। वहीं मंदिर में लगे हैंडपंप पर पानी भरने के लिए सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। मैंने कही थी अब जनता इकट्ठी कहानी करी, अब बिचारो वो आ गई थी। अरे बंटाले वो काम है नहीं, तुम तो रोज जहाँ खड़े हो जाओ सारे 25-30-40 जने इकट्ठे हो जाओ, सब कुछ हो जाए। नहीं समस्या पूरी है, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। ये तो अपन ने विधायक निधि से लगवाया तो आई से, और जहाँ पे अब जो विधायक वर्तमान में सुन के रहेगा कि 8 दिन में ट्यूबवेल चालू हो जाएंगी, ना अभी तक 8 दिन छोड़ 3 महीने होगा अभी तक कोई ट्यूबवेल चालू नहीं। नए बोर हुए हैं यहाँ पर? 3 बोर हुए हैं, अभी 4 महीने हुए पे आ गए, अभी तक कोई मोटर नहीं डाली उन्होंने। अच्छा, कितने घर की आबादी है यहाँ पर? करीबन आबादी तो यही 150 घर की आबादी है। अच्छा, कौन सा गाँव ये? सकतपुर है जी। अच्छा, तो पानी का साधन क्या क्या है यहाँ पर? कोई साधन नहीं, जब ये थी हेडपम्प है मंदिर का जो भी बस, मतलब इतनी बड़ी पूरी बस्ती में ये की हेडपम्प जो चल रहा है, एक हेडपम्प उस तरफ चल रहा है बस। हमने एक दो बार पेपर में निकलवाया है। और सरपंच साहब से बात हुई? सरपंच साहब से मोटर की कही थी, भेजे कहते हैं बिल्कुल जमा करेगा, जबकि उनके यहाँ बोर हुआ और उससे मोटर डर चुकी है अभी। अब बाका बिल का सरपंच साहब भरेंगे, जो अभी बोर हुआ उसमें मोटर डर गई, बाकी बोर के जो है सर लाइट का बिल का सरपंच साहब भरेंगे। हमने मोटर मांगी, जब मोटर दो हम जलाएंगे, लाइट कैसी जलाएं, हम पैसा हुआ कैसे करें, हम चलाएंगे हमारे हिसाब से। तो मोटर भी नहीं दे रहे अभी हमें, 2 मोटर हैं पंचायत में, इसमें कोई मोटर में पति नहीं है। दोनों के बोर हो गए क्या? हाँ, कौन से? नहीं, जो मोटर डलनी थी। मोटर 3 बोर हो गए, उनमें कोई में बोर नहीं डली, मोटर नहीं डली। मोटर नहीं डली, बोर जरूर हो गए। बोर हुआ है, चेक भी हुआ चालू है। तो कितने दिन पहले हुए थे बोर? ये करीबन 3 महीना हुए थे आगे, 3 महीना हुआ करीब। अच्छा अच्छा, पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं ने आज बजरंगगढ़ पहुंचकर वहां पर वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि कल विश्व पर्यावरण दिवस था, जिसके मद्देनजर आज युवाओं ने बजरंगगढ़ पहुंचकर वहां पर पौधे लगाए, साथ ही संस्कृति एवं पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर समृद्धि कल्याण सेवा समिति आरोन के तत्वाधान में हनुमान जी के मंदिर पर पौधारोपण किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने पौधारोपण किया। बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य एवं वर्ष भर पर्यावरण संरक्षण करने का संकल्प भी लिया गया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। बरसात में अभिशाप बन जाएगी म्याना को ललितपुर से जोड़ने वाली सड़क। महज एक दिन की बूंदाबांदी में लोग परेशान हो गए हैं। आगे आने वाली बरसात के मौसम में क्या हाल होगा इस रास्ते से निकलने वाले लोगों का? बता दें कि 1 साल पहले ही ये सड़क को खोद दिया गया था, वहीं सिर्फ एक साइड की पट्टी बनाकर सरिया निकालकर उसे छोड़ दिया गया। चूंकि म्याना में 12 से लेकर 15,000 की आबादी है, इसके बाद भी मार्ग की यह स्थिति है। इस मार्ग को विधायक से लेकर प्रभारी मंत्री, कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधि तक देख चुके हैं, लेकिन सभी ने इस रास्ते की अनदेखी की है। लोगों ने बताया कि गर्मियों में दिनों में इतनी धूल उड़ती है जिससे बीमारियों का डर भी बना रहता है, वहीं दुकानों में खाने पीने की चीजों में भी धूल जमा हो जाती है, पर कोई सुनवाई नहीं है। वहीं यह तो थोड़ी बूंदाबांदी थी, आगे और पानी गिरा तो बारिश में क्या हाल होगा? बता दें कि यह कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं, बल्कि ललितपुर यूपी को जोड़ने वाला मार्ग है।
दूरा भाई बीमार है। और आप जो जो चढ़ता है घर जो गड्ढन को पानी बताओ क्या कर एक साल से भी ज्यादा वही खुद है कर दे इधर रोड से दूरा उड़ रही है घर में भर रही है रोटी में सब्जी में पानी में भर रही है और जो गड्ढे है ककड़ा उछड़ जाते हैं मुड़ा मुड़ी के लग जाते हैं। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने मौन जुलूस निकालकर आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राधोगढ़ नगर पालिका सफाई कर्मी 1 जून से अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर पर सफाई कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी रही। अपनी मांगों को लेकर छठवें दिन वाल्मीकि मंदिर से हाथ पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये निकले। इसके साथ ही गुलाब के फूल दुकानदारों को भेंट करते हुए भी अपील की कि कचरा सड़क पर न फेंके, कचरे को अपने डस्टबिन में ही डालें। सफाई कर्मियों का कहना है कि हमारी 3 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सफाई कर्मियों के 3 सूत्र मांगे हैं, नियमितीकरण, ठेका प्रथा को समाप्त करना एवं 25 महिला 25 पुरुष की नई भर्ती करना है। सफाई कर्मी अध्यक्ष ब्रजेश मैना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर पालिका में 4 अध्यक्ष हैं, आखिर जरूरत पड़ने पर किससे संपर्क किया जाए। आरती शर्मा अध्यक्ष हैं, जबकि उनके साथ में उनके परिजन भी अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। उनके ससुर पुरुषोत्तम शर्मा, उनके पति महेंद्र शर्मा, उनके चाचा चंद्रहास शर्मा और आरती शर्मा हैं। 5 महीने से अध्यक्ष आरती शर्मा नगर पालिका में नहीं बैठी, जबकि CMO मैडम रोज नगर पालिका में बैठती हैं। तारीख से काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए सफाई कर्मचारी नगर पालिका रावगढ़ के हमारी मांगों के लिए आज तक नहीं सुना गया। इस कारण हम लोगों ने मौन जुलूस निकाल कर हाथ पर काली पट्टी बांध कर और गुलाब का फूल सभी के लिए थमाया है कि रोड पर कचरा ना फेंके, शांति बनाए रखे। नगर पालिका कर्मचारी हम 1 जून से हड़ताल पे जो गए हैं, राज्य शासन के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं हमारे सिंह रावगढ़ नगर पालिका। वो कहते हैं कोई हमारे पास तुम्हारे कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम 1 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। ये लोग हमको बार बार चुनौती दे रहे हैं, लेटर छाप रहे हैं हमारे, अभी हमारे पास लेटर आ चुके हैं कि तुम काम पर नहीं लौटोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका ये मानना है, हमारी आवाज़ को एक एक करके दबाना चाह रहे हैं, हमारी समाज के संग शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। ये नहीं सोच सकते हैं कि वाल्मीकि समाज क्या है। नगर पालिका में 1 अध्यक्ष महेंद्र सिंह शर्मा, जो आरती शर्मा है वो अध्यक्ष हैं, उनके 4 अध्यक्ष बने बैठे हैं। दादाजी अगल हैं, चंद्र अगल हैं, महेंद्र जी अगल हैं और आरती शर्मा अगल हैं। अभी तक आरती शर्मा नगर पालिका में अभी तक नहीं बैठी हैं, क्योंकि 5 महीना करीब होने के आ रहे हैं नगर पालिका में। क्या कहेगा अध्यक्ष है ये लोग, अब बैठे ना, मैडम भी तो बैठी हमारी रोज आके, आप क्यों नहीं आती हैं? दादा आते हैं भाई, क्या नाम है उनका, वो कहते हैं परसोत्तम शर्मा जी कि मैं ही अध्यक्ष हूँ। एक अध्यक्ष इनको बनाया का लेडीज को बनाया कि हमने आरती मेहन शर्मा को अध्यक्ष बनाया, किसको बनाया, हमको जवाब दें। 1 जून से हम सफाई कर्मचारी सारे लोग हड़ताल पर बैठे हैं और आज हमने काली पट्टी बांध कर और राधोगढ़ के मुख्य चौराहों से हमने मौन जुलूस निकाला और सारे लोगों को गुलाब की फूली बांटे हैं कि हम कचरा ना फेंकें सड़कों पर, और हमारी अपील को जो है आगे तक पहुंचाई जाए जिससे हमारी मांगों को निराकरण जल्दी से जल्दी हो सके। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। नौकरी देने के नाम पर युवती से किया दुष्कर्म,
चांचौड़ाव में समूह की कार्यकर्ता बनाने के नाम पर लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लड़की ने खुद अपने माता पिता को साथ में लेकर पुलिस चौकी बीना गंज थाना चांचौड़ा में जाकर की। बता दें कि चांचौड़ा निवासी इस लड़की को बीना गंज निवासी संतोष रघुवंशी नौकरी का लालच देकर पहले तो गुना ले आया, उसके बाद आरोपी। वहीं लड़की की बात माने तो आरोपी संतोष रघुवंशी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। जब लड़की को समझ में आया कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, उसके बाद लड़की आरोप से भाग कर अपने माता पिता के पास आ गई। लड़की ने खुद अपने माता पिता के साथ चांचौड़ा थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जहां पर चौकी प्रभारी कमलेश गौर द्वारा 376 का मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराधी की तलाश शुरू कर दी गई है। क्या हुआ था भाई, तुम जब यहाँ से कौन था तुम लेके गया था? वो संतोष रघुवंशी। अच्छा, उसने नाम बताया। किस नाम से ले गया था, किस काम के लिए ले गया था? नौकरी के लिए ले गया था। अच्छा, कहाँ कहाँ ले गया तुम्हें? गुना और आरोन। अच्छा, जिसके बाद में तुम उस पे तुम्हें छोड़ा है कि तुम खुद भाग के आई? मैं खुद आई हूँ। अच्छा, कहाँ से भागी फिर? आरोन से। आरोन से। संतोष रघुवंशी मेरी भतीजी को नौकरी वहाँ में ले गया और दो एक रात रखी साहब और सुबह भगा दी। अच्छा, क्या बंधक बना ली थी? जी, बंधक बना रखी। लड़की फिर कैसे भाग के? चालाकी से निकल के आई, धोखा दे के कि मैं यहीं रुकूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, ऐसे निकल गया। की दिनांक 2/6/18 की घटना है। एक संतोष रघुवंशी नामक व्यक्ति ग्राम किरवाड़ा पहुंचा था और उसने गांव में जाके महिलाओं को बोला कि मैं समूह कार्यकर्ता हूँ, गुना का रहने वाला हूँ, आप लोग सभी लोग मिलके एक समूह बना लें, है ना, तो वो आपका ऐसा ऐसा फायदा होगा और सभी लोग इकट्ठा क्लोज कर लें तो आपको 50,000 रुपए ऐसा राशि मिलेगी और मैं उसका प्रभारी हूँ और आप एक कोई पढ़ी लिखी लड़की मेरे साथ भेज दें तो मैं फॉर्म भरवा देता हूँ, मैं उसको बीनागंज तक ले जाऊँगा और उसको इस समूह का प्रभारी बना दूंगा, उसको 12,000 रुपये महीने के हिसाब से वो मिलेगा वेतन। तो उस लड़की को ऐसे बेला फुसला के ऐसा प्रलोभन दे के बीनागंज ले आया और बीनागंज से वो बातें लगा लो कि उसको गुना तक ले गया और गुना से फिर आरोन ले गया। गुना और आरोन के बीच में जो रास्ता जाता है वहाँ एक जंगल एरिया पड़ता है, वहाँ पर उसने उस लड़की के मुताबिक उसने उसके संग 4-5 बार रेप किया। अब वो लड़की क्या है, आज हमारे पास आ गई है अपने माता पिता को लेकर, उसने बताया है कि मेरे संग रेप हुआ है और उसका विस्तृत कथन हमने लिख लिया है और 376 का उस पर मैंने मुकदमा कायम कर दिया है। रीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।